हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है बच्चों के दांतों के बारे में, यानी छोटे बच्चों के दांत किस समय निकलते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। अगर आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो हमें उस समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, अपने बच्चे को ऐसा क्या दें कि हमारे बच्चों के दांत आसानी से निकल आएँ। अगर आप पहली बार माँ बनी है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है और घरेलू उपायों द्वारा आप अपने बच्चे के दांतों के समय कौन कौन सी सावधानियाँ रख सकती हैं, बरत सकती हैं, वो सारी जानकारियाँ मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो अंत तक देखें और दी हुई जानकारी का लाभ उठाएँ। तो शुरू करते हैं कि किस महीने में, किस मंथ में बच्चे के दांत निकलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी कभी जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कभी कभी 5 महीने तक बच्चों के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों के दांत थोड़े लेट भी निकलते हैं। जैसे बच्चा 6 मंथ या 7 मंथ का होने लगता है तब उसके दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। तो किसी कंडीशन में बच्चों के दांत जल्दी निकल आते हैं और कभी दांत थोड़े लेट निकलते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम कैसे जाने कि हमारे बच्चे के दांत निकल रहे हैं। उसके सिम्टम्स हैं कि आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है और आपके साथ ये पहली बार हो रहा है कि आपको नहीं पता कि आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो उसके ये लक्षण होते हैं कि आपका बच्चा रात में सोए आराम से अच्छी सी नींद नहीं लेता, वो रात में रोता रहता है, वो ठीक से सो नहीं पाता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होगा, चिड़चिड़ाएगा बुरी तरीके से, और इसके साथ ही उसे हल्का हल्का फीवर बना रहता है उसकी पूरी बॉडी में, पेट में दर्द रहेगा, उसके सर में दर्द रहता है और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो अपने आप को गुड फील नहीं करता है, दस्त तो उसको होने लगती हैं, उल्टियाँ आने लगती हैं। और दांतों के समय, क्योंकि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। उसका कारण है कि बच्चों को दांत निकलते समय उल्टियाँ होती हैं और लूज मोशन होने लगते हैं, उन्हें बार बार पॉटी आती है। तो इस कंडीशन में बच्चों को डिहाइड्रेशन होता है दांत निकलते समय, और आपके बच्चे को बुखार रहेगा, पेट में दर्द रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जब आपके बच्चे के दांत निकलते हैं। बच्चे की आँखों में खुजली होती है, वो आँखों को रगड़ता रहता है बराबर, गले को इस तरीके से, गले पे हाथों को रखेगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, आपका छोटा बच्चा है वो बोल नहीं पा रहा है। तो ये छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, उसे बुखार आ रहा है, पेट में दर्द है, या उसे लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टी आ रही हैं और अननेसेसरी वो रोता है, किसी भी चीज़ से वो खेल नहीं रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे का दांत निकलना स्टार्ट हो गए। आप कैसे चेक करें? आप अपने हैंड को बहुत अच्छे से वॉश करें, एकदम नीट एंड क्लीन आपके हैंड होने चाहिए। तो आप अपने बच्चे के जो मसूड़े हैं उन पर उंगली को फिराकर देखें। अगर आपको कहीं पर भी कुछ चीज़ें, कुछ टाइटनेस नज़र आ रही है या मसूड़े बच्चे के सूज से रहें, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं। अब हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसकी बात करते हैं। अब आपको पता चल गया कि हमारे बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो हम घरेलू उपायों द्वारा कैसे आसानी से अपने बच्चों के दांत निकलने में अपने बच्चे की सहायता कर सकते हैं और उसके दर्द को कम कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं जो मैंने अपने बच्चे के लिए यूज़ किए हैं और वही मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पता चल गया कि आपके बच्चे के दांत निकलने स्टार्ट हुए हैं, तो आप सबसे पहले साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। आपके बच्चे के आसपास कोई भी चीज़ गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दांत निकलते समय बच्चे कुछ भी चीज़ उठाकर मुंह में च्विंग करने लगते हैं, क्योंकि उनके मसूड़ों में दर्द होता है, तो वो कोई भी चीज़ चबाते हैं तो उनको बहुत राहत मिलती है। तो आप आसपास अपने वातावरण को, बच्चे के आसपास जो भी सामान है, जो भी खिलौने से या टॉय से बच्चा खेल रहा है, वो आप उनको साइड में रखें।
अगर कोई भी चीज़ मुंह में डाल रहा है तो मुंह में डालने ना दें, क्योंकि इस समय बच्चे के मसूड़े में इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर आपके बच्चे के मसूड़े में इन्फेक्शन फैल गया तो कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और आप कोई भी चीज़ अपने बच्चे को खिला रही हैं या मुँह में उसके उंगली डाल रही हैं या हाथ से उसे कुछ भी खिला रही हैं, तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को क्या क्या दें। सबसे पहले आप अपने घर में एक गिलास पानी लें, या एक गिलास नहीं तो एक छोटा गिलास पानी लें, और उसमें 2 चम्मच सौंफ डाल दें और उसे अच्छे से बॉईल करें। जब तक बॉईल करते हैं तब तक गिलास, जो जितना भी आपने गिलास लिया है या बड़ा गिलास लिया है या छोटा गिलास लिया है, वो आधा ना रह जाए। बॉयल करते करते वो उसकी क्वांटिटी हाफ हो जानी चाहिए। 2 चम्मच आप उसमें सौंफ डाल दें। अगर ज़्यादा पानी ले रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच डाल दें, और छोटा गिलास ले रहे हैं तो 2 चम्मच सफिशियंट है। तो उसे अच्छे से बॉयल कर लें। बॉयल करने पर उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाए जितनी आपने ली थी। वो सौंफ का पानी आप रख लें, और बच्चों को दिन में कम से कम 4 या 5 बार बच्चे को ये पिलाते रहें। आप यकीन नहीं मानेंगे कि बच्चे को ये दांतों में जो दर्द होता है वो ख़त्म कर देगा, और बच्चे के दांत बड़ी आसानी से निकल आते हैं। प्लस उसको जो लूज मोशन होते हैं, वो पेट में दर्द होता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं सौंफ का पानी देने से। सौंफ के पानी के अलावा हम बात करें कि आपके घर में अगर तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते का रस निकाल लें, और शहद में बच्चे को शहद में मिलाकर तुलसी का रस बराबर आप सुबह दोपहर शाम या 4 बार भी आप बच्चे को दे सकते हैं, 4 या 5 बार बच्चे को उसे दे सकते हैं। तुलसी का रस और शहद, ये भी बच्चे के दांत निकलने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आप इसको भी बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप कोई भी घुटी यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चे को, जन्म घुटी कोई भी आप बच्चे को पिला रहे हैं, जैसे मैं अपनी बच्ची को 112 साल की बुढ़िया घुटी पिलाती हूँ, और बहुत अच्छी घुटी है, और मेरी बच्ची के आसानी से दांत निकले आए। जब भी मैं उसे घुटी पिलाती थी तो मैं उस घुटी अपने हाथ अच्छे से साफ करके मैं घुटी को उसके मसूड़ों पे अच्छे से कम से कम दिन में 3 या 4 बार अच्छे से रब कर देती थी, उसकी पूरी मसूड़े पे मालिश कर देती थी। तो जो भी आप घुटी बच्चे को दे रहे हैं तो घुटी भी बहुत अच्छी होती हैं बच्चों के दांत के समय, क्योंकि पेट संबंधी सारी परेशानियाँ, अगर बच्चे को दस्त हो रहे हैं या पेट में दर्द है या सर में दर्द है या उल्टी कर रहा है, वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दांत निकलते समय। तो घुट्टी आप जो भी अपने बच्चे को पिला रही हैं तो घुट्टी भी आप बच्चे के मसूड़े पर अच्छी तरह से रब कर दें, तो उससे भी बच्चे को राहत मिलती है। इसके अलावा आप अंगूर का रस भी 2-2 चम्मच जब भी जितनी बार भी दे रहे हैं 2-2, 3-3 चम्मच अंगूर का रस भी बच्चे को पिला सकती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है दांत निकलते समय। अब हम बात करते हैं कि सुहागा आपके पास हो, सुहागा को अच्छी तरह से पीस लें, बिल्कुल पाउडर बना लें सुहागा को। सुहागा और शहद भी आप बच्चे के मसूड़ों पर अच्छे से मसल सकते हैं। सुहागा अच्छे से पिसा हुआ हो और शहद को मिलाकर रख लें, एक स्टोर कर लें, और उसको भी आप बच्चों को दिन में 3 या 4 बार मसूड़े पर लगा सकती हैं, तो वो भी दांत निकलने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और उससे भी बच्चों के दांत आसानी से निकल आते हैं। और इसके अलावा जैसे आप कोई भी ऐसे गाजर है, खीरा है, एप्पल है, इनके स्लाइसेस काट के फ्रिज में रख दें। बहुत ज़्यादा ठंडा ना, आप टेम्परेचर देख लें, क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा ठंडा बच्चों को ना दें, लेकिन थोड़ा ठंडा होना चाहिए बच्चे को, वो च्यूइंग करने के लिए दे दें। अगर बच्चे उसको च्यूइंग करते रहते तो उन ठंडी ठंडी गाजर या सेब या खीरा कुछ भी खाते तो उनके मसूड़े में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, तो ये आप बच्चे को दे सकती हैं। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, और उनको खिचड़ी दें, पतली पतली खिचड़ी बना के दें, दलिया बना कर दें उनको, तो ये भी दांत निकलते समय बच्चे को बहुत ये पौष्टिक आहार होता है, और बच्चा आराम से उसको खा लेता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इस समय बच्चा खाना कुछ भी खाता नहीं है, चिड़चिड़ा रहता है। तो आप ये बराबर उसे खिलाते पिलाते रहें, बराबर मात्रा में उसे पानी पिलाते रहें, ताकि आपका बच्चा डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि लूज मोशन बहुत हो जाते हैं इस समय। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि बच्चे के दांत निकलते समय बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। इसके अलावा आप बच्चों को ग्राई वाटर भी दे सकते हैं। ग्राई वाटर भी आप 3 बार अपने बच्चे को पिलाएं, टीस्पून फुल, कम से कम 3 बार आप
पिला दें तो ग्राई वाटर भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। जैसे कि मैंने अपनी एक ग्राई वाटर के बारे में मैंने अपनी पूरी एक वीडियो बनाई है, जो उसमें मैंने सारी जानकारी दी है कि ग्राई वाटर हमें बच्चों को किस किस कंडीशन में देना चाहिए। तो दांत निकलते समय भी आप बच्चे को ग्राई वाटर पिला सकती है, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है बच्चे की, कैसी भी हो पेट से संबंधित, चाहे कब्जें, चाहे डिहाइड्रेशन है, चाहे ग्रिपिंग है पेट में, तो आप दांत निकलते समय बच्चे को ग्राई वाटर भी दे सकती हैं। साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी जानकारी मैंने आज आपको बताई, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए सहायक हो आपके बच्चे की दांत निकलने के समय। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।